नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ और क्लास इलेवेंथ के फाइनल एग्ज़ाम की कि किस तरह से इस बार क्लास नाइन्थ और क्लास इलेवेंथ के एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्या वो ऑफलाइन होने वाले हैं या ऑनलाइन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस साल जो नाइन्थ और इलेवेंथ के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो ऑनलाइन होने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि हमारे यहाँ तो ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है, हमें तो स्कूल से अभी कभी कुछ बताया ही नहीं है कि वो ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे। तो मैं आपको बताना देना चाहता हूँ, जितने भी केवी स्कूल है यानी जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, उन सभी में ये नोटिफिकेशन आ चुका है कि उन लोग के एग्ज़ाम यानी केंद्रीय विद्यालय के जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होंगे। और ये न्यूज़ आपको NDTV इंडिया की जो न्यूज़ है उसमें मिल जाएगी। मैं यहाँ पे आपको बता भी रहा हूँ और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि ये न्यूज़ कहाँ से मैंने ली है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिखा गया है कि केंद्रीय विद्यालय विल कंडक्ट द फाइनल एग्ज़ाम फ्रॉम 1 मार्च से उनका एग्ज़ाम होगा। और साथ में ये भी लिखा है कि फाइनल एग्जामिनेशन है बीन डिसाइडेड टू बी कंडक्टेड बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मीडियम। अब ये सोचने की बात है कि क्या दोनों तरह से एग्ज़ाम कैसे हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं या और ऑफलाइन भी हो सकते हैं। तो वो बच्चे जिनको कुछ प्रॉब्लम है या उनके एरिए में कुछ कोविड का प्रॉब्लम है, अगर वो स्कूल नहीं आना चाहते या उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि वो स्कूल आके एग्ज़ाम दे, तो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये बोर्ड ने डिसाइड किया है कि उनका एग्ज़ाम यानी KB की बात कर रहा हूँ मैं, KB वाले स्कूल जो है उन स्कूल के जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और ऑफलाइन भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब बात ये आती है कि KV वालों को इतनी सहूलियत क्यों दी जा रही है, यानी KV वालों को एग्ज़ाम ऑनलाइन भी होगा ऑफलाइन भी होगा, लेकिन हम लोग का यानी बाकी जो स्कूल है उनका एग्ज़ाम तो ऑफलाइन होगा, ऐसा क्यों? तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपके एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होने के 99% चांस है। क्योंकि सोचिए कि जब KV में ऐसा हो सकता है जो कि एक सेंट्रल बोर्ड के थ्रू वो रन होता है वो स्कूल, तो आपका तो होना ही है, क्योंकि जब वो खुद अपने लिए लागू कर रहे हैं तो आपके लिए भी उनको लागू करना पड़ेगा। इसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपके स्कूल में आ जाएगी और आपको पता चल भी जाएगा। आपके स्कूल वाले भी फिर आपको दो चॉइस देंगे कि आप ऑफलाइन देना चाहते हो या ऑनलाइन देना चाहते हो। तो ज़ाहिर है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन देना ही पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें पास होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको भी ऑनलाइन देना है तो आप बता दीजिए कि हमारे इधर प्रॉब्लम है, हम नहीं आ सकते एग्ज़ाम देने, या हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, या पेरेंट्स लिख के दे सकते हैं कि हमारा बच्चा एग्ज़ाम देने नहीं आ सकता है, वो घर से एग्ज़ाम देगा, यानी उसका एग्ज़ाम आप ऑनलाइन ले लीजिए। तो इस तरह की जो कंडीशन है वो बन सकती है और इसके चांसेस 99% है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप 100% उसको, अभी मैं 99% बोल रहा हूँ, 100% अभी नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है आखिरी समय पे वो चेंज कर दे, लेकिन अभी तक मुझे मालूम है जितना कि मैंने देखा है पढ़ा है NDTV इंडिया की न्यूज़ हो या फिर या आज तक की न्यूज़ हो या फिर जी न्यूज़ है, सभी के ऊपर ये चीज़ आ चुकी है कि केंद्रीय विद्यालय में जो एग्ज़ाम होंगे वो दोनों मीडियम में होंगे। दोनों मीडियम मीन्स वो ऑनलाइन भी होंगे और ऑफलाइन भी होंगे। तो जब केंद्रीय विद्यालय में होंगे तो आपके भी यानी जो केंद्रीय विद्यालय नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल या जो भी जितने भी स्कूल है दूसरे जो CBSE स्कूल है उन स्कूल में भी यही प्रक्रिया लागू होगी, ऐसा सभी लोग कह रहे हैं। इट मीन्स आपका भी एग्ज़ाम ऑनलाइन होने के चांसेस है। लेकिन फिर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप ऐसी तैयारी करिए कि आप किसी भी टाइप से एग्ज़ाम हो तो आप उससे अच्छे से पास हो सकें। तो अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।